ये कौन है हमने तो कहा ये हमारा बच्चा है हैं शादी को बच्चा भी और तुम बोले एक सेकंड शूटिंग रोकिए सब लोग ये देखिए बच्चों ने मिलके बच्चा पैदा किया <laughs> फिर वो रेखा रेखा मुझे ये भी मालूम है कि वो एक दिन वो ऐसे कर रही थी उन्होंने दूध पिया था पूरा ऐसा करके मैं तो उल्टी कर दी और पूरा कॉस्ट्यूम उनका खराब हो गया था पर उनको कोई फर्क नहीं पड़ा रेखा वो स्टिल होल्डिंग द लिटिल बेबी वो इतनी खुश हुई अध्ययन को देख के और बोले कि आप जब आए थे तो यू वर अ बेबी मेरे बारे में यू वर अ स्मॉल बेबी अब ये आपका बेबी और ये बेबी इतना बड़ा हो गया कि अब पर्दे पे काम कर रहा हो इतना खूबसूरत काम किया वाजपेयी जी ने गाड़ी रोक के एक जलसे में गया था मुझे देखा गाड़ी रुकी काफिला रुका उतर के आए गले लगाए शाबाशी दी गालों को थपथपाया बोले कि बहुत अच्छा कर मुझे हैरत है कि मतलब पॉलिटिशियंस आज आज हर बात का बुरा मानने लगे हैं हर चीज पे ऐतराज करने लगे हैं उन्हें खुश होना चाहिए कि कोई उनकी बात कर रहा है यू नो द वर्स्ट थिंग देन बीइंग टॉक्ड अबाउट इज नॉट बीइंग टॉक्ड अबाउट यस अब लंबू आए तो ताली लंबू आए तो खूब तालियां बजाना बोला क्या लंबू नाचा है क्या इसीलिए मैं नतमस्तक हूं इन लोगों के आगे आभारी हूं हृदय से और हर रोज तीन लोगों का शुक्रिया अदा कर और भट्ट साहब ने जो उससे काम लिया भट्ट साहब ने मुझे फोन कर कर के सुबह पांच बजे रात डेढ़ जब उनके साथ शूटिंग करते थे बोले इस लड़के ने मुझे मजबूर कर दिया है कि मैं कैमरे के पीछे जाके डायरेक्ट करूं जबकि मैंने डायरेक्शन छोड़ दिया शिकायत ना करें शिकायत ना करें बिल्कुल नहीं किसी से शिकायत ना करें ना लोगों से ना ईश्वर से तो जो सक्सेस बहुत जल्दी बहुत पहले मिल जाती है ना वो आपका दिमाग इस कदर खराब कर देती है कि शायद फिर बाद में आदमी संभालना भूल जाता है आ, वो वक्त वो 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 दर्द भरा नहीं वो कम वक्त और बढ़ता चला गया और आज वो ही नहीं है। तो कल का दिन बहुत खुशियों से भरा काफी दिन बाद मुझे लगता है कि परिवार में के चेहरे पर मुस्कान रौनक आई रौनक आई रौनक आई अध्ययन में आ, हम आयुष को देख पा रहे थे उसकी खुशियों को भी देख पा रहे थे तो आ, ऐसा लगा कि यू नो ही इज ब्लेस्ड हिज यंगर ब्रदर कहीं नहीं कि वो फरिश्ते की तरह हम सब की, की देखभाल देख कर रहा है वो कहीं जाते नहीं वो इर्द-गिर्द ही रहते हैं अभी, अभी भी अभी भी बैठ के सुन रहा होगा तो आपने पहली फिल्म अपनी रेखा मैम के साथ की कल अध्ययन को भी प्रीमियर पे उनका आशीर्वाद मिला तो एक कोऑर्डिनेशन, कोरिलेशन कहें या कि मतलब बाई चांस जो जो हुआ क्या कहा क्या ये उन्होंने बस यही ये, ये सब जिंदगी के बड़े खूबसूरत हादसे हैं और ये तफाक है और बहुत हसीन है और वो इतनी खुश हुई उन्होंने आयुष को संभाला था जब हम वो सेट पे लेके गया था उनको हाँ उस समय हमारी शादी भी हो गई थी और वो भी हो गया था बल्कि शशि जी ने कहा ये कौन है हमने कहा है हमारा बच्चा है, है? वो शादी हो बच्चा भी और तुम बोले एक सेकंड शूटिंग रोकिए सब लोग सब शूटिंग रोकी आइए सब टेक्नीशियन जितने लोग हैं क्या मैं सब इधर आइए आप लोग खड़े हुए हल्का आप आयुष को मिलिए ये देखिए बच्चों ने मिल बच्चा पैदा किया <laughs> तो वो मुझे याद है और फिर वो रेखा रेखा फॉन्ड ऑफ चिल्ड्रन किड्स वो लेके उसे घूमती रहती थी मुझे ये भी मालूम है कि वो एक दिन ऐसे कर रही थी उन्होंने दूध पिया था पूरा ऐसा करके फिर तो उल्टी कर दी और पूरा कॉस्ट्यूम उनका खराब हो गया था पर उनको कोई फर्क नहीं पड़ा देखो स्टिल होल्डिंग द लिटिल बेबी की मुलाकात अध्ययन से नहीं हुई थी आ, मुझे बताया तो पहले पहली पहली, मुलाकात तो सुनते रहती थे कहानियाँ वाहनियाँ किस्से कहानियाँ कैसी शूटिंग कैसी फिल्म मिली कैसे उन्होंने हामी भरी थी और किस दौर से मैं गुजरा था वो इतनी खुश हुई अध्ययन को देख के और बोले कि आप जब आए थे तो यू वर अ बेबी मेरे बारे में यू आर अ स्मॉल बेबी अब ये आपका बेबी और ये बेबी इतना बड़ा हो गया कि आप पर्दे पे काम कर रहा हो इतना खूबसूरत काम किया है शी ब्लेस्ट हिम यू टस्ट फीट और आ, आ, ये संस्कार सिखाना बहुत जरूरी है कि अपने आ, अपने से बड़ों के पैर छुएं उनका आशीर्वाद लें वो आशीर्वाद आपको बहुत दूर तक ले जाता है बड़े बुजुर्गों का आशीर्वाद बहुत ज़रूरी है एंड शी ब्लेस्ट हिम एंड बहुत कुछ, कुछ अजीब सा लग रहा था कि मतलब इतने साल पहले पहली, म, पहली फिल्म और, और आज मतलब आज हाँ उस वक्त आप न्यू कमर थे बिल्कुल बिल्कुल उन्होंने आपके साथ मतलब वो बिल्कुल जिसको कह लें कि सफलता की जो पराकाष्ठा हो सकती है मतलब चरम सीमा पे शी वॉज द क्वीन शी वॉज अ प्रीमा डॉनर सुनते हैं हीरोइनें जो हैं मानती नहीं थी कि नए हीरो के साथ काम नहीं करना और उनके कोई वजह नहीं थी कि किसी एक नए न्यू कमर के साथ काम करें उसमें प्रणय दृश्य इतने थे और ये वो तो सारी वजहें थी कि भाई इनके साथ नहीं करना है लेकिन उन्होंने किया इसीलिए मैं नतमस्तक हूँ इन लोगों के आगे आभारी हूँ हृदय से और हर रोज तीन लोगों का शुक्रिया अदा करता हूँ शशि जी का जिन्होंने मुझे चुना और लोग नेपटिज्म की बात करते हैं कि लोग अपनों को चांस देते उनके दो अपने बेटे थे जिनको वो दे सकते थे पूरी इंडस्ट्री वो रोल करना चाह रही थी क्योंकि इतनी बड़ी फिल्म थी उत्सव इतनी बड़े स्टार कास्ट की फिल्म थी जब मुझे कास्ट किया गया था उसमें बच्चन साहब उसमें नेगेटिव रोल कर रहे थे विलन थे जो बाद में शशि जी ने किया उसमें कमल हसन साहब थे रति अग्नि थे शम्मी कपूर जी थे ओम पुरी साहब तमाम लोग थे हाँ थोड़े उसमें हेर हेर फेरबदल हुई बाद में लेकिन शशि जी ने बावजूद इसके कि जब आप इतनी बड़ी फिल्म बना रहे हैं तो यू नीड अ बिग स्टार टू सेल यू फिल्म आप कभी रिस्क नहीं लेंगे न्यू कमर के साथ क्योंकि आप डिस्ट्रीब्यूटर आपको पैसे नहीं देगा लेकिन बोले बोले नहीं मुझे यही चाहिए उन्होंने लिया रेखा जी ने हाँ कही तो मैं तीन लोगों को शशि जी को गिरीश कर्नाड जी को और रेखा जी इनका शुक्रिया अदा करता हूं ऑफकोर्स जेनिफर जी की वाइफ सॉरी uh, um, um, शशि जी की वाइफ जेनिफर कैंडल और अशोक मेहता सिनेमाटोग्राफर uh, और गिरीश जी की वाइफ सरस्वती इन लोगों का भी शुक्रिया अदा करता हूँ जिन्होंने सब ने मेरे लिए हामी भरी और जिनकी बदौलत आज मेरा जो भी है थोड़ा बहुत uh, अस्तित्व जो है वजूद है इन लोगों की वजह से उस वक्त एक मैंने ये भी सुना कि रेड वेट पड़ गई थी रेखा जी उसी दिन उसी उसी दिन पहले दिन थर्ड ऑफ नवंबर मुझे याद है उसी दिन फर्स्ट डे की शूटिंग और ये खबर आई गई और कोई बता नहीं रहा था फिर शशि जी से मैंने पूछा कि भाई क्या हो रहा है उन्होंने कहा इनका रेट बहुत जबरदस्त इनके उम्मीद बने अब अब तो ये जाएंगी और ये फिर कभी वापस नहीं आएंगे और मेरे सपने भी कभी लौट के नहीं आएंगे अब बस जो शुरू होना था शुरू होने से पहले खत्म हो गया वरना मैंने, मैंने अपनी जिंदगी को मतलब अपने करियर को खत्म होते देखा तो नहीं डिसाइड टू स्टे बैक इतनी प्रोफेशनल थी उनको बोले कि जो करना है उन्हें करें आपको मैंने टाइम दिया आपको वक्त दिया ये वक्त आपका है शशि जी बबुआ बोलती हूँ तो बबुआ ये वक्त आपका है कैन यू इमेजिन कोई नहीं करेगा इस तरह का इतनी प्रोफेशनल टू द कोर अच्छा क्योंकि अध्ययन के लिए ये बहुत बड़ा मौका है बहुत सबसे बड़ा मौका मैं ये कहूंगा कि बहुत बड़ा नहीं शायद सबसे बड़ा करियर क्योंकि भंसाली साहब के साथ काम करना कहीं ना कहीं किसी भी एक्टर के लिए उसके करियर को रीडिफाइन कर रीडिफाइन कर सकता है रीअलाइन कर सकता है रीबूट कर सकता है आ, तो वो है हालांकि मैं ऐसा मान के चल रहा हूँ नॉट बिकॉज इज माई सन बट उसने राज में आ, और जश्न में और हार्टलेस में बहुत कमाल के परफॉर्मेंसेस दिए और मैं लोगों से दरख्वास्त कर तो देखें और भट्ट साहब ने जो उसे काम लिया भट ने मुझे फोन कर कर के सुबह पाँच बजे, रात बजे जब उनके साथ शूटिंग करते थे बोले, इस लड़के ने मुझे मजबूर कर दिया है कि मैं कैमरे के पीछे जाके डायरेक्ट करूं जबकि मैंने डायरेक्शन छोड़ दिया और मैं किसी के लिए नहीं करता बट दिस मी और ये कहा से कम वक्त जस्ट कहा मैं और ये सीन किया है रोए हैं बैठ के सड़कों के किनारे लोगों ने क्या हुआ क्या भाई कौन सा हादसा हो गया कि दोनों रो रहे हैं तो मीट मी कराए तो बड़े कमाल कमाल के सीन्स उसने किए तो हुनर तो कहीं नहीं जाता बट हुनर को मौके की तलाश रहती है।, है और हुनर को भी एक अच्छा डायरेक्टर चाहिए अकेला चना बांट नहीं पोड़ता भाई नहीं। उसको चाहिए वो और भंसाली साहब से बढ़िया और बेहतर मजा हुआ निर्देशक कौन हो सकता है तो उसके लिए जिसको कहते हैं ना कि एक वैलिडेशन uh, है कमाल के उन, उन, उनका सिनेमा मतलब आज भी कोई फिल्म देख लीजिए आप सब शानदार है उन्होंने तारीफ की भंसाली साहब हम सब जानते हैं उन्होंने तारीफ की पंद्रह साल का स्पैन लग गया इन दोनों तारीफों में वजह क्या रही है आपको क्या लगता है कि लोग कहते हैं नेपोटिज्म ने, आप तो बैठे थे नियति 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 किस्मत हम लोग बहस मान के चला हूं कि हम लोग इस दुनिया में एक प्री रिटन स्क्रिप्ट के साथ एक बाउंड स्क्रिप्ट के जैसे एक प्ले का एक स्क्रिप्ट होता है या फिल्म की सिर्फ आपको सफा पलटते रहना पन्ना हर दिन क्योंकि उससे आगे के पन्ना पलटने का इख्तियार आपको नहीं है वो सारी चीजें लिखी हुई है पहले से बगल मैं और आप यहाँ बैठे हैं ये पहले से लिखा कि इस दिन इस वक्त ऐसा होगा आप फ्लाइट में जो बैठते हैं आपके बगल में कौन बैठा होगा आप किसी से भीड़ में टकराते हैं वो सब लिखा हुआ है तो आप कितनी भी मेहनत कर ले यही बच्चन साहब थे ना जिनकी तेरह फिल्म हुई और वापस जाने को कगार पे थे अरे वही पूछा हो मैंने कहा यार बच्चन साहब भी एक बार वापस जाने को तैयार हो गए थे तुमको कभी नहीं लगा कि यार छोड़ू कुछ और काम धंधा कर लू बिजनेस कर लू और उसे सी बच्चन साहब ने कहा फिर की कोशिश करने वालों की कभी हार नहीं, नहीं होती नहीं। तो मेरे ख्याल से उस 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 दौर से उस मायूसी के दौर से तो गुजरता है इंसान लेकिन फिर लड़ता है इंसान उसमें वो ताकत ईश्वर ने दी है वो कुछ भी कर सकता है इंसान कुछ भी कर सकता है तो अगर वो चाहे और ठान ले आदमी गिरता है संभलता है उठता है फिर चलता है फिर गिरता है फिर, गिरता है, फिर चलता है तो इस दौर से वो गुजरा उसने उस दौर ने इसको लोहा बना दिया सख्त बना दिया अब इसको किसी बात से फर्क नहीं पड़ता इसने वो दौर भी देख लिया अब जो भी होगा अच्छा ही होगा ऐसा ये मान के चला है पंद्रह साल पंद्रह साल का वक्फा बहुत बड़ा होता है पर लोगों ने इंतजार किया है बहुत एक्टर्स ने काम किया है बच्चन साहब ने तो बीच में पांच सात साल काम नहीं किया फिर काम आया फिर ऊपर आए और क्या आए भगवान उनको सलामत रखे आ, तो ये होता है और इसमें कोई बुरा मानने वाली बात नहीं है कि मुझे फलाने नहीं लिया इसने नहीं लिया मुझे काम नहीं मिला शिकायत ना करें शिकायत ना करें बिल्कुल नहीं किसी से शिकायत न करें ना करे। न लोगों से न ईश्वर से ईश्वर सब देख रहा है उसको बताने की क्या जरूरत है तो हम जब जाके कुछ भी बोलते हैं या कुछ साझा करते हैं तो ईश्वर है सब जानता है आप सिर्फ अपने विश्वास पे अडिग रहे अपने मनोबल को बनाए रखें अपने सेल्फ स्टीम कॉन्फिडेंस को बनाए रखें वो रोशनी आपका इंतजार कर रही है और ये इम्तिहान है इसके बाद जो इंसान जो सोना जो है तपके कुंदन बनता है वो तपना जरूरी है एक आग का दरिया है और डूब के जाना है कोई शॉर्टकट्स नहीं है और शॉर्टकट्स का का फिर नतीजा भी बुरा होता है एक जो सक्सेस बहुत जल्दी बहुत पहले मिल जाती है ना वो आपका दिमाग इस कदर ख़राब कर देती है कि शायद फिर बाद में आदमी संभलना भूल जाता है ये जो जिसे हम बुरा वक्त कहते हैं जिसे फेलियर कहते हैं वो तो दरअसल ये अपने आप में एक कह लें कि एक मिसालें हैं ये लेसनस हैं जिसे हम हमें सीखना है और कभी कोसे ना कभी नकारात्मक कोई भावना ना आने दे मुझे मालूम है बहुत मायूस है मुझे ये भी मालूम है कि कहना ज़्यादा आसान है सहना बहुत मुश्किल है और हर इंसान की जिंदगी में कोई ना कोई त्रासदी है ही प्रोफेशनली और पर्सनली हम इंसान हैं में दिक्कत हमें दिक्कतें होंगी दुशवारियाँ होंगी तलखियाँ होंगी अंधे अंधेरा होगा सोग होगा लेकिन उसके साथ जश्न भी होगा तो साहिर साहब की बड़ी खूबसूरत पंक्तियाँ जो गानों में इस्तेमाल किया गया कि मैं ज़िंदगी का साथ निभाता चला गया हर फिक्र को धुएं में उड़ाता चला गया जो मिल गया उसी को मुकदर समझ लिया जो खो गया मैं उसको भुलाता चला गया गम और ख़ुशी में फ़र्क ना महसूस हो जहाँ न गम न ख़ुशी से न मसरत से न गम से गम और ख़ुशी से फ़र्क ना महसूस हो जहाँ मैं ज़िंदगी को उस मकाम पर लाता चला गया मैं ज़िंदगी का साथ निभाता चला गया बर्बादियों का सोग सोग यानी दुख बर्बादियों का सोग मनाना फिजूल था बर्बादियों का जश्न मनाता चला यही जिंदगी क्या अच्छा सर एक एज अ जर्नलिस्ट ये सवाल मुझे लगता है हर जर्नलिस्ट को आपसे पूछना चाहिए आपका शो मूवर्स एंड शेकर्स जो था जी जिस तरह के तंज आप उसमें कसा करते थे जे, नेताओं पे अभिनेताओं पे सब पे स्त्री तक को आपने बिल्कुल नहीं छोड़ा लेकिन सबसे बड़ा आशीर्वाद भी उन्हीं से मिला हां वाजपेयी जी ने गाड़ी रोक एक जलसे में गया था मुझे देखा गाड़ी रुकी काफिला रुका उतर के आया उतर के आए गले लगाए शाबाशी दी गालों को थपथपाया बोले कि बहुत अच्छा करते हो और इसको रोकना नहीं मैं आपका शो हर दिन रिकॉर्ड करके देखता हूं और एक बात बता दूं जब आप वाजपेयी साहब खुद बन जाते हैं व्हेन यू टेक ऑफ ऑन मी आई लाफ द लाउडेस्ट मैं सबसे ज़्यादा हंसता हूँ तो वो एक मार्क ऑफ ए स्टेट्समैन था right. वो तब काम करने की एक स्वच्छंदता थी आज़ादी थी तब लोग भी शायद ऐसे थे जमाना भी ऐसा था दौर भी ऐसा था तो वो मैं बहुत बेबाकी से बेफिक्री से और बेसाख्त से करता था और मुझे बड़ा मजा आता था आपका सवाल अब क्या है अब वो लगता है, आज के दौर में वो संभव है नहीं मैं फिल्मी बात मैं नेताओं को हटा देता हूँ हाँ अगर सिर्फ फिल्म इंडस्ट्री की बात करें एंटरटेनमेंट इंडस्ट्री की बात करें जो आप उस वक्त किया करते थे आज किया जा सकता है नहीं, नहीं उस तरह का नहीं हो सकता नहीं। और अगर हो भी सकता है तो तमाम लोग ले गए तलवारें लेके आ जाएंगे आपके पास निकाल के मेरे बारे में क्यों कहा उस समय क्या होता था आपको मालूम है मुझे लोग मिलते थे यार सबके बारे में बोलते हो मेरे बारे में क्यों नहीं अच्छा। बोलते हाँ मेरी टांग क्यों नहीं खिंचाई करते मेरी टांग क्यों नहीं खींचते भाई मुझमें क्या कमी है मुझमें क्या खामी है या उतनी खामी नहीं है कि मैं तुम टांग की जाई कर सको और ये uh, मैं सिद्धार्थ कानन के शो में भी बोल चुका हूँ यहाँ भी बोलना चाहता हूँ कि एक पॉप सिंगर था रोज आते थे बहुत सारे गेस्ट तो वो बोला जब शो में आया शेखर आई हैव टू टेल यू वन थिंग आई वॉज एक्साइटेड ऑफ माई विथ्स वन आई गॉट अ कॉल फ्रॉम शेखर आई वॉज ट्रेमलिंग विथ एक्साइटमेंट मैं हर जगह जाके चिल्ला के कोने कोने में घर के आसमान की तरफ देख के जमीन की तरफ देख के चिल्ला रहा था ओ माय गॉड आई एम गोइंग टू विद गेस्ट ऑन और मुहजन शेखज और शेखर सुमन ने मुझे बुलाया है बस मैं माँ के पास दौड़ता हुआ गया मैंने कहा माँ माँ मुझे मुहजन शेखर्स में बुलाया गया है मैं बस गया और आधे घंटे में जलील होके आया <laughs> और जब वो कम्बक हमारा आया शो में और बैठा था बोला शेखर हैव आई डन समथिंग हैोंग मैंने कहा नहीं फिर आप मुझे जलील क्यों नहीं कर रहे <laughs> और वो जलील मतलब दूस टू टेक विध सेंस ऑफ ह्यूमर मैं कभी जलील नहीं करता था नहीं। मैं खिंचाई करता जैसे कॉलेज में कॉलेज में जैसे रैगिंग होती है बस वही एंड विथ अ लॉट ऑफ गुड स्पिरिट लॉट ऑफ गुड ह्यूमर कहीं आ, आपके चेहरे पे या आपके आ, कोई बॉडी शेमिंग या कोई इस तरह की आ, जिल्लत वाली बात नहीं कि मैं ह्यूमिलेट करूँगा नहीं, नहीं।, नहीं।, नहीं। खिंचाई करूंगा जैसे शादियों में होता है जैसे देवर भाभी वैसे ही और मुझे हैरत है कि मतलब पॉलिटिशियंस आज आज हर बात का बुरा मानने लगे हैं हर चीज पे ऐतराज करने लगे हैं उन्हें खुश होना चाहिए कि कोई उनकी बात कर रहा है यू नो वर्स्ट थिंग देन बीइंग टॉक्ड अबाउट इज नॉट बीइंग ट्ड अबाउट टॉक्ट अबाउट तो आपके बारे में कोई बोल रहा है सुनिए लुत्फ उठाइए उसका कोई तो है और मैं माँ सरस्वती का शुक्रिया अदा करता हूँ कि वो विधा मुझे दी कि मैं ये अंदरूनी एक विधा है मैं कहीं जी की नहीं वो किस तरह से तंजिया बातें करनी है और कहाँ लकीर खींचनी है सीमा रेखा कहाँ खींचनी है कि बस मैं यहां तक जाऊँगा इससे आगे नहीं जाऊँगा वो सीमा आप लोग आपको खुद निर्धारित करनी है और आपको खुद मालूम होना चाहिए इंटरनल एक डिवाइस रहता है जो कह देता है बस इससे आगे नहीं क्योंकि उसके आगे फिर ह्यूमिलेशन नहीं

कुछ बात निकली मैंने कहा किस तरह से एक्टर मायूस हो जाते हैं और किस तरह से हताश हो जाते हैं हतोत्साहित होते हैं उसमें उन्होंने कहा कि भाई ये खुराक तो तालियां हैं बोले कि जब वो आए वो कह रहे थे ना जब लंबू आए तो तालियां लंबू तो आए तो खूब तालियां बजाना बोला क्या लंबू नाचा है क्या वो जो महमूद साहब अपने अदाईबोर बच्चन साहब जोश आया फिर उन्होंने किया तो वो ख़ुराक तो है और वो सच्ची बात उन्होंने फिर वो वाला टेक लास्ट में लिया बिल्कुल क्योंकि वो खराब टेक खराब टेक था, टेक था।, था। बहुत बहुत अच्छे चिकस्से और बहुत तमाम खूबसूरत हस्तियों से बात करने का मौक़ा मिला देश से बात करने का मौका मिला और मैं देश का और तब के प्रधानमंत्री और सभी लोगों का बहुत शुक्रिया अदा करता हूँ कि मुझे वो इजाज़त मिली मुझे वो आज़ादी मिली कि मैं वो सब कह सकूँ अपने तरीक़े से और मैं लोगों तक और मुझे ये आज़ादी भी मिली कि मैं टीका टिप्पणी करूं और समाज की कुरीतियों पर कटाक्ष कर सकूं और मकसद मेरा मूवज़ अ शेखज़ में हंसाने का नहीं था गुदगुदाने का था फ़र्क है अगर समझे कि आपको शायद मेरी बात सुन के हंसी आए ना आए और वो मकसद भी नहीं था मेरा आप मुस्कुराएंगे ज़रूर और उससे भी ज़्यादा ये मकसद था मूवर्स एंड शेकर्स का कि आपको झकझोर दें एक बार और आपकी निद्रा से आपको जा, जागृत कर दें आपको जागरूक बना दें और बोलना और लड़ना सिखा दें एक मेरा सजेशन है एक एपिसोड मूवर्स एंड शेकर्स का अध्ययन के साथ बनाइएगा आप और अध्ययन जी बस

Amen. I thank you so you, much. Thank you. Thank you. Thank you.